बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करना कि तुसी ठीक ठाक हो गए। तो अलहमदुल्ला अल्लाह पाक दे करम नाल ते तुहाड़ियां दुआवां नाल तुहाड़ा भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो अलहमदुल्ला लैंटर वाली मशीन आ गई है, तो काम शुरू होने लगा है। तो आओ देखिए पूरी वीडियो तुहाड़े नाल शेयर करने, अंडर किस तरह पाया जाता है, आओ शुरू करने। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितनी बजरी इस रक्षे च लोड हो जाती है? 30 फुट जी, 30 फुट माशाल्लाह जी, इस रक्षे दे विच 30 फुट बजरी लोड हो जाती है, क्योंकि खन्नी ते ट्रैली ट्रैक्टर ते ही, लेकिन वजह है कि रस्ते च जगह बहुत शॉर्ट है, जिदी वजह नाल ट्रैली अगे नहीं जा सकती। रेत तुहाड़े भाई ने अलहमदुल्ला सुट ली है, तो इस वास्ते यह फैसला किया है कि रिक्शे ते चला जाएगी, तो फिर बजरी जिहड़ी है सीधी अगे चला जाएगी। अलहमदुल्ला एक फेरा बजरीदा आ गया जी, अलहमदुल्ला दूसरा फेरा आ गया। काफी मिट्टी घटे वाला काम है, ते खाना भाई उन्होंने कह रहे हैं खाना असी खा के आए हैं, ते चाय जड़ियां ने मैं क्या चलो चाय पी लोगे, ने क्योंकि फेरे आ गए ना, 3 फेरे आ गए ना, 2 फेरे हो गए ने, भाई हुरी बजरी ला रहे ने, बजरी ला के फिर चाय पी। अलहमदुल्ला 120 फुट बजरी आ गई है। तो अलहमदुल्ला सरिये की कटाई हो गई है, भाई जान सरिया सीधा घर ने, इंशाल्लाह जाल वज कटाई तो बाद वजन किया जा रहा सरिये का। इंशाल्लाह जाके फिर जाल बनिया जाएगा। अलहमदुल्ला सरिया लोड हो गया है, तो तकरीबन 30 बोरियां सीमेंट दी चाहिए ने, तो कुछ सीमेंट जड़ा ने ऐसे फेरे दे विच लोड किया जाएगा, बाकी जड़ा रह गया सीमेंट वो दोबारा भाई रिक्शे वाले आके लै जाएंगे। किसान भाई किन्नियां गुत्थियां लोड कीतियां ने? 4 सर कर दित्तियां ने, ते 26 बकाए रह गईयां ने, वो 2 फेरे जो 13 चलाई जाने। ठीक हो गया, असीं चलिए अगे जाके, तुसीं अगे चलाओ जाओ, जाके अगे जगह भराओ जिथे लाणियां ने उथे आ गए। अलहमदुल्ला तुहाड़े भाई की बजरी भी आ गई है, रेत भी आ गई है, अलहमदुल्ला सरिया भी आ गया, तो हूँ जाल बनने हैं, इंशाल्लाह अद्धे पौने घंटे तक इंशाल्लाह छत भरी जाएगी। तो हूँ जाल बनना शुरू हो गया, भाई और जाल बन रहे। किन्ने बीम पाने ने भाई? 2 बीम पाने, 2 पत्ते पाने जनाब। 2 बीम ताकि कमरे वड्डे ने। ठीक हो गया, 18-14 का कमरा है, बीम लाजमी है। ठीक हो गया, हाँ। बीम नजर आया कि जरा मजबूती हो जाएगी, ताकि कल उत्ते बनाने लचक नहीं खांदा छत। जी लचक नहीं खांदा। मौसम भाई पानी लेके आ गए, हेलो पानी यार, दूसरी छत पर हो रही है भाई।
अलहमदुल्ला जाल बज रहा है। दुकानदार भाई खुद आके थोड़े भाई का जाल बन रहे हैं। अभी मोहब्बत है उन्होंने, लेकिन वो दुकान तो एक मिनट का टाइम नहीं उन्होंने लगता, तो वो थोड़े भाई का खुद आके जाल बन रहे हैं। प्यार तो मोहब्बत की गल है। हाँ जी उस्ताद जी, कितना काम रह गया सैटिंग? माशाल्लाह मशीन सैट कर रहे हैं भाई, एरिया डाला रहे हैं। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला सारा काम रेडी हो गया ते हुन अलहमदुल्ला काम स्टार्ट होने लगा। दुआ करो अल्लाह तआला खैर करी अपने भाई का लैंडर। अलहमदुल्ला काम स्टार्ट है थोड़े भाई का, तकरीबन थोड़ा जहा काम रह गया, इंशाल्लाह लैंटर पर आ जाएगा। सही है यार, तो दोस्तों अलहमदुल्ला लैंटर थोड़े भाई का भरया गया है।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੋ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।